ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੌਕਰ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਈਟ ਐਵੇਨਿਊ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਪਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਉਹ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਿਨਾ ਹੈ। कल रात को 11 बजे हमारे घर में 3 नेपाली घुस आए थे, हमारे घर के नौकरों की मदद से। वो पहले से ही आके छत पे बैठे हुए थे और 11 बजे वो मेरे कमरे में आ गए। मैं और मेरी बेटी थे, सो रहे थे बेड पे। आते ही उन्होंने कमरे में, उनके हाथ में हथियार थे, उन्होंने पेचकस पकड़े हुए थे दो जनों ने। उन्होंने हमारे बाल पकड़े और हमारी गर्दन पे पेचकस रख दिया और कहा कि चिल्लाना नहीं, ऊँची आवाज़ होगी तो बच्चे को मार देंगे। फिर मुझे कहा कि सामान कहाँ पे पड़ा हुआ है वो सब बता दो, निकाल दो। मैंने ऊपर से तो सारा कुछ दे दिया उनको। फिर वो कहते हम बच्चे को भी लेके जाएंगे, तो मैंने मना कर दिया, बच्चे को यहाँ छोड़ोगे तो मैं बताऊँगी नीचे सामान कहाँ पे। मुझे बालों से पकड़ के खींच के नीचे ले आए। इधर पापा का कमरा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ा उनका, दरवाज़ा खुलते ही उन पर अटैक किया, उनको पेचकस मारे आँख पे नाक पे, उनको तो बहुत मारा है। मफलर उनके गले में डाल के एकदम टाइट करके गला घोटने की कोशिश करी, मफलर से उनको नीचे गिराया, फिर उठाया, फिर गिराया, उनको बहुत लाते मारी, थप्पड़ मारे। वो चाबी मांग रहे थे, पापा चाबी दे नहीं रहे थे। फिर उन्होंने अलमारियाँ तोड़ दी, अलमारियों के अंदर जो कुछ पड़ा था सब सामान ले लिया। कैश पड़ा हुआ था, सैटरडे संडे की सेल पड़ी हुई थी, वो सब भर लिया अपने पास। कितने की कैश थी वो पापा को पता है कितनी कैश होगी। तुम लोग के कुछ, ये जो हमारे घर नौकर काम कर रहे थे उनका एक बड़ा भाई था और साथ में दो साथी और थे उनके। टोटल कितने जने थे? ये 5 जने थे, जो दोनों हस्बैंड वाइफ नौकर थे वो बाहर यहीं पे खड़े हुए थे और 3 जने अंदर थे जिन्होंने हमको पकड़ा हुआ था। उसने क्या कार्रवाई की है? हाँ जी, उसने अभी तक क्या कार्रवाई की है? ये लोग सामान लेके भागे थे हमारी इनोवा में, तो इनको और हमारे मोबाइल्स ले गए थे। इनको इनोवा मिल गई है, मोबाइल्स मिल गए हैं, बाकी अभी इन लोगों का नहीं पता। अभी क्या मांग करते हो? हम मांग करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं, इनको सख्त से सख्त सज़ा मिले ताकि ये दोबारा ना कर सके। होपफुली इनके हैंड्स चॉप ऑफ कर दिए जाए जो इन्होंने हरकत करी है। एक बुज़ुर्ग इंसान पे इतना हाथ उठाना, तो चोरी करना। पापा डॉक्टर के गए हैं। इस मामले बारे पुलिस अधिकारी का की कहना है, आओ सुन लेने। रवि अरोड़ा जी ने हाउस नंबर 69 वाइट एवेन्यू के रहने वाले हैं। इन्होंने एक हफ्ता पहले कोई नेपाली नौकर रखा था और उसके साथ वाइफ थी, तो उन्होंने रात 11 बजे के बाद उनके घर में डकैती डाल ली 3-4 लोगों के और साथ लेकर। तो उसमें वो उनकी इनोवा गाड़ी ले गए, सोना जेवरा थे, तो 15-16 लाख करीब नकदी थी और थोड़ी घड़ियाँ थी, तो एक उनका रिवॉल्वर था लाइसेंसी, वो लेकर डकैती डाली रात को। जब बोल रहे हैं कि उन्होंने फायर करने की कोशिश की लेकिन फायर हुआ नहीं। तो कहते नौवा गड्डी फरी गई है।
ਹਾਂਜੀ, ਉਨਕੇ ਜੋ ਨੋਵਾਗੜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਗਾਓਂ ਸੇ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਨਕੋ ਪਕੜਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਪਕੜੇ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੀ ਕੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਹੋਈ, ਹਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ ਜਲਦੀ ਪਕੜੇ ਜਾਏ। ਰੰਗਲਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।